हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनिमेशन ऋषि। माय नेम इज ऋषि चांदा। फ्रेंड्स, आज हम आफ्टर इफेक्ट का बेसिक सीखेंगे, उसको यूज कैसे करते हो वो सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। और फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो लाइक करना, उस पर कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमने आफ्टर इफेक्ट खोल लिया है। इसके अंदर ये जो बता रहे हैं यहाँ पे रिसेंट फाइल्स जो हमने पहले क्रिएट कर चुका हूँ मैं, फाइल्स जो इस पर जिनमें हमने पहले काम किया है वही यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट न्यू पे भी कर सकते हैं और न्यू प्रोजेक्ट पे भी करते हैं। तो चलो हम न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। इसके अंदर ये न्यू प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड आ गया पूरा, आफ्टर इफेक्ट का ये पूरा डैशबोर्ड बता रहा है जिस पर हमें काम करना है अच्छे से। तो मैं समझाता हूँ इसके डैशबोर्ड के बारे में। यहाँ पे है प्रोजेक्ट पैनल। इसके अंदर जैसे हम प्रीमियर प्रो में फाइल इंपोर्ट कर रहे थे वैसे ही उसकी तरह फाइल इंपोर्ट होती है यहाँ पे। इस टाइप से हमें यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे डबल कर क्लिक करते ही खुल जाएगा। और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास फाइल्स पड़ी है तो मैं इसके अंदर इंपोर्ट करता हूँ। मैं तीनों फाइल्स इसके अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ इस टाइप से। ये है फ्रेंड्स टाइमलाइन। यहाँ पे हमारी जो क्लिप होगी ना, हम यहाँ पे डालेंगे उसको, उस क्लिप को। उससे पहले हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है। इस पर हम क्लिक करेंगे, कंपोजिशन सेटिंग खुल गया। यहाँ पे हमें कंपोजिशन का नाम डालना है, जिस भी नाम से हमें रखना है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे बेसिक्स एडवांस। तो एडवांस ये सब हम 3D रेंडर ये सब अभी नहीं देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बेसिक्स देखते हैं इसमें। ये इसकी HDTV, ये इसके प्रीसेट्स है, वीडियो के साइज वाले प्रीसेट्स है, हमें कौन सी साइज में वीडियो चाहिए। तो HDTV 180 29 फ्रेम्स ये डिफॉल्ट प्रीसेट है, तो हम इसी को रहने देते हैं। हम यहाँ से इसकी साइज कस्टम भी कर सकते हैं, कस्टम साइज जैसे जो हम डालना चाहें वो डाल सकते हैं इस टाइप से। तो हम कस्टम कंपोजिशन नहीं बना के यहाँ पे डिफॉल्ट कंपोजिशन हम बनाते हैं अपने हिसाब से, जो इनका दिया हुआ है प्रीसेट्स वही डालेंगे हम इसमें। HDTV 180 29 फ्रेम्स, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। ये फ्रेम रेट्स है पर सेकंड फ्रेम्स, वो हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। यहाँ से हम चाहे तो फ्रेम्स रेट चेंज कर सकते हैं, 30 फ्रेम 25 फ्रेम्स कुछ भी। तो हम यही रहने देते हैं। रेजुलेशन साइज ये हम चेंज कर सकते हैं, फुल, हाफ, थर्ड, क्वार्टर। इसका ये मतलब है अगर अपने रैम कम हो कंप्यूटर में, हैंग हो कि वो वीडियो चल रहा है टकटक ही चल रहा है, तो इस साइज से उसकी क्वालिटी कम दिखाएगा। रियल तो उसकी वही क्वालिटी होगी जो रियल में है, लेकिन हमें यहाँ पे शो कम होगी, क्वालिटी बिल्कुल कम शो होगी इसके अंदर। और ये टाइमलाइन का टाइम है जो हम सेट करते हैं कि कितने टाइम का हमें क्लिप बनाना है, कितने टाइम की इसके अंदर वीडियो डालना है। तो हम इसको 1 मिनट कर देते हैं। और ये बैकग्राउंड कलर है जो प्रीव्यू के अंदर शो हो गए, बैकग्राउंड कलर हम अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने ब्लैक कलर कर दिया और इसको हम ओके करते हैं। तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे इस पैनल के अंदर हमारा क्लिप शो होगा, जो भी हम एडिट करेंगे वो सब यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे वो सब चलेगा। ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल हो गया। यहाँ पे हमें फाइल वाइल इंपोर्ट करनी है। ऊपर जो दिखा रहा है यहाँ पे क्लिप की इंफॉर्मेशन दिखाएगा, 1920 ये है जो एक क्लिप की इंफॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे, कितने फ्रेम्स पे है, 23 फ्रेम्स पे है, ये मिलियंस ऑफ कलर्स, ये सब इसकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जो क्लिप दे रखी है उनकी इंफॉर्मेशन है। तो हमें यहाँ से क्लिप को पकड़ के टाइमलाइन के अंदर लाना है। तो इस टाइप से शो हो गया इस टाइप से। स्पेस दबाकर हम इसको प्ले कर सकते हैं, और हम चाहे तो हम यहाँ से भी इसको प्ले कर सकते हैं प्रीव्यू के अंदर, इसके अंदर ये
आगे पीछे लेने के लिए, पीछे फ्रेम जाने के लिए और लास्ट फ्रेम पे आने के लिए, ये एक एक फ्रेम आगे लेने के लिए इस टाइप से, ये एक फ्रेम पीछे लेने के लिए, एक ही फ्रेम, और ये प्ले के लिए, प्ले स्टॉप करने के लिए, जैसे वीडियो प्ले हो गया ये इसे हम स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके प्रीव्यू के अलग अलग शॉर्टकट डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी स्पेस बार से मैं इसको प्ले कर देता हूँ, मैंने इसका स्पेस बार प्ले शॉर्टकट डाल रखा है, इससे प्ले कर देता हूँ, इसी से स्टॉप हो जाता है ये, तो हम यहाँ से इसका शॉर्टकट चेंज भी कर सकते हैं। और बाकी चीज़ों पे अभी हमें ध्यान नहीं देना है, पहले हमें इसका बेसिक्स देखना है। यहाँ पे जो ये पैनल्स है, अलग अलग टाइप के पैनल्स यहाँ पे दे रखे हैं, वीडियो के कलर्स के इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जहाँ पे भी हम कर्सर लेके जाएंगे उस जगह के कलर के इंफॉर्मेशन दिखाएगा, यहाँ पे अपने ऑडियो के बारे में दिखाएगा, ऑडियो की इंफॉर्मेशन, हम यहाँ से ऑडियो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू का भी हमने देख ही लिया, और ये इफेक्ट और प्रीसेट्स हम क्लिप के अंदर इफेक्ट्स लगाने के लिए यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के इफेक्ट दे रखे हैं, सिनेमा 4D का इफेक्ट, ये 3D चैनल्स, ऑडियो ब्लर, शार्पनेस, डिजोर्ट, इसके अंदर हम एडवांस एडिटिंग्स कर सकते हैं, प्रीमियर प्रो से ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ से हम इफेक्ट्स लगा सकते हैं, ये एलियंस ये मतलब टेक्स्ट के लिए है, टेक्स्ट के मतलब चेंज करने के लिए, लाइब्रेरीज को छोड़ो, कैरेक्टर्स, ये हम टेक्स्ट लगाते हैं ना, उनके फॉन्ट्स दे रखे हैं, उसके साइज ये सब दे रखे हैं, यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं फॉन्ट की, वो सब दे रखा है इसके अंदर, ये फॉन्ट्स के लिए है, फॉन्ट्स का पैराग्राफ कहाँ से हमें स्टार्ट करना है वो सब दे रखा है, ये ट्रिगर्स ये सब मैं बाद में बताऊंगा, ये बेसिक्स में नहीं है। फ्रेंड्स प्रीमियर प्रो के जैसे प्रीसेट्स इसके अंदर भी बनाए हुए हैं, जैसे प्रीमियर प्रो के अंदर हर टाइप की एडिटिंग के लिए अलग अलग टाइप से प्रीसेट्स बना रखे थे, उसी टाइप से इसका डैशबोर्ड अलग चेंज हो गया, स्टैंडर्ड के हिसाब से स्मॉल स्क्रीन के हिसाब से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चीज़ें हर एक अलग अलग चेंज हो जाएगी अलग अलग टाइप से, तो हम इसी को रहने देते हैं डिफॉल्ट। फ्रेंड्स ये जो है हमारा कर्सर जहाँ पे होता है वो उस जगह का टाइम यहाँ पे शो होता है, इस जगह पे कौन से फ्रेम पर ये कर्सर है अभी वो यहाँ पे शो होता है, और वही चीज़ यहाँ पे भी सेम टू सेम शो होती है, जिस जगह पे हम इस कर्सर को लेके जाएंगे वो सब शो होगा इस टाइप से, जैसे भी हम चाहेंगे, हम चाहते हैं कि इसको हम 5 सेकंड पे लेके जाए कर्सर को, तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट लेकर जा सकते हैं इसको, बिल्कुल 5 सेकंड पे आ गया। और फ्रेंड्स यहाँ से हम स्नैपशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का, इसका स्नैपशॉट यहाँ से हम खींच सकते हैं और यहाँ से फिर इसको देख सकते हैं, अब हम आगे गए और उस चीज़ को हमें देख रहा हो तो इस पर दबाए रखें, होल्ड करके रखना बटन को, तो वो चीज़ ऐसे दिखाई गई, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसको छोड़ो। और थर्ड ये जो वहाँ पे बता रहा था रेजुलेशन के बारे में, वही चीज़ ये बता रहे हैं यहाँ पे, फुल, हाफ, क्वार्टर, थर्ड, ये सब ये इसके रेजुलेशन के लिए, अगर हम इसको फुल रखेंगे तो वीडियो धीरे चलेगा, एकदम हैंग हो गए, जैसे देखो ये ग्रीन लाइन आ रही है, अटक अटक की चल रहा है बिल्कुल हैंग हो के, तो मैं रियल टाइम शो करने के लिए, जैसे और प्लेयर्स के अंदर जो VLC प्लेयर, मीडिया प्लेयर, इनमें जब वीडियो चलता है तो रियल टाइम वीडियो चलता है उसी टाइम के हिसाब से, तो वैसे देखने के लिए अगर हमारे कंप्यूटर में रैम कम हो तो इसको ढंग से चलाने के लिए हम हाफ, थर्ड, क्वार्टर ये सब कर लेते हैं, क्वार्टर पे करेंगे बिल्कुल लो क्वालिटी इसका शो होगा यहाँ पे इस टाइप से, और ऑटो पे रखेंगे तो ये अपने रैम के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा ये ऑटो पे, कि हमें किस टाइप की क्वालिटी इसमें देनी है उस हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे ये जो दे रखा है टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, ये जब काम करता है, जो हमने बैकग्राउंड लगा रखा है ना इसको नया देखकर हम ट्रांसपेरेंट पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं, वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पीछे कुछ नहीं है एकदम खाली है, इस टाइप से देखने के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी ऑन करनी पड़ती है, ये जो है चलो हम इसको ऑफ कर देते हैं,
एक्टिव कैमरा, ये 3D के अंदर काम आता है। अगर इसमें थोड़ा सा हम 3D के वर्क कर रहे हो, कुछ लोगों को ये बनाने के लिए कर रहे हो, मान लो कोई इंट्रो बना रहे हो, लोगो बना रहे हो, तो उसके अंदर हम 3D देखने के लिए अलग अलग टाइप के कैमरेज यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ये भी 3D के अंदर काम आता है, हम एक साथ टू व्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ से मान लो टॉप देखना चाहिए, फ्रंट देखना चाहिए, उस टाइप से। तो अभी ये सब हमारे कुछ काम नहीं आने वाला, तो हम फ्रंट ही रखेंगे इसमें, ओनली ओनली वन वन व्यू पे रखेंगे इसको, एक्टिव कैमरा रखेंगे। इसके अंदर जो बाकी है ये सब हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे जो दे रखा है ये हमें लेयर को विजिबल, ये जो है ये आई का चिन्ह है, यहाँ से हम लेयर को विजिबल या अनविजिबल कर सकते हैं। इसको हटा देंगे तो लेयर गायब हो जाएगी, इसको ऑन कर देंगे तो ये लेयर ऑन हो जाएगी। यहाँ से हम लेयर का ऑडियो वो सुन सकते हैं, यहाँ पे इसका ऑडियो ऑफ कर देंगे तो इसका ऑडियो वो ख़त्म हो जाएगा, ऑडियो सुनाई नहीं देगा। यहाँ से हम ऑडियो ऑन कर, इसको ऑन रखेंगे तो इसका ऑडियो सुनाई देगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जब काम आता है, मान लो हमारे पास 2-3 क्लिप्स हो इस टाइप से, बहुत सारे क्लिप्स हो गए, हर क्लिप्स के हम साइज चेंज कर देते हैं। इस टाइप से जैसे अपने पास 2-3 क्लिप्स हो जाए, और हमें मान लो किसी एक पर्टिकुलर क्लिप को ही हमें देखना है, यहाँ पे इनमें से एक को हमें एडिट करना हो उसमें कुछ भी देखकर, तो हम इसको उस क्लिप का ही ऑन कर देते हैं, तो उससे पर्टिकुलर सिर्फ वही क्लियर हमें दिखेगी, बाकी क्लियर से हमें नहीं दिखेगी। ये इसी काम आता है, कोई भी लेयर का हम ये ऑन कर देते हैं तो सिर्फ वही लेयर्स दिखेगी हमें, जो लेयर्स पे ये नहीं है ऑन वो नहीं दिखेगा हमें। तो हम इससे ऑन इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये दे रखा है ये लॉक, इससे हम इसको लेयर को लॉक कर सकते हैं, इससे हम इसका ना कुछ भी चेंज वेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर ये ऑफ रहता है तो हम इसको इधर उधर कर कैसे भी ले जा सकते हैं, और जब तक ये ऑन रहेगा, लॉक ऑन रहेगा, तो हम इसको बिल्कुल छेड़ नहीं सकते, एकदम वहीं पे रहेगा जगह पे, बिल्कुल हिलेगा ही नहीं जगह से। तो फ्रेंड्स इसके बेसिक बेसिक जो नॉर्मल था वो मैं अभी बता चुका हूँ। इसके अंदर एक बार वापस देख लेते हैं, इसके अंदर हमें फाइल इम्पोर्ट करनी होती है, यहाँ पे हम डबल क्लिक करके फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर कहाँ से पकड़ कर हम उसको ला कर भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सॉरी मिनट, यहाँ से फाइल उठाया, इस पर रखा, इस टाइप से भी हम इसके अंदर फाइल इंपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि वीडियो जो क्लिप हमने सेलेक्ट कर रखा उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर वीडियो का जो प्रीव्यू होगा जो भी एडिट करेंगे हम वो यहाँ पर शो होगा। ये पैनल से अलग अलग टाइप के, यहाँ पे वीडियो के कलर्स की इन्फो देता है, यहाँ पे ऑडियो के बारे में, यहाँ से हम प्रीव्यू, ये प्रीव्यू का हो गया, ये लास्ट फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम, ये लास्ट फ्रेम के लिए, ये प्रीवाइस फ्रेम के लिए, नेक्स्ट फ्रेम के लिए, प्ले स्टॉप, प्रीवाइस फ्रेम का शॉर्ट कट है पेज अप का, पेज अप का जो है ये कीबोर्ड के अंदर बटन, ये प्रीवाइस के लिए है, पेज डाउन का है ये नेक्स्ट फ्रेम के पे हम जा सकते हैं इस टाइप से, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप से फ्रेंड्स आगे पीछे दे सकते हैं, इसके शॉर्टकट सही है, प्रीव्यू का शॉर्टकट मैंने बता ही दिया आपको स्पेस बार, इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये टाइमलाइन है, यहाँ पे हमारे क्लिप्स को हम मैनेज करते हैं, कुछ भी उसके अंदर एडिट्स कुछ भी करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं उसके अंदर। फ्रेंड्स यहाँ से इस क्लिप्स के और भी ऑप्शन है एडिट करने के लिए, जिनको हमें एडिट करना हो यहाँ पे दे रखे हैं, बहुत सारे ऑप्शन है तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये जो है प्रीमियर प्रो में देखा था हमने सिलेक्शन टूल का भी, इसका शॉर्टकट है, हैंड टूल भी हमने उसके अंदर देखा था, इसका काम भी इसको इधर उधर लेने के लिए है, सिलेक्शन टूल भी किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए काम आता है। ये अभी लॉक है, लॉक के अंदर वर्क नहीं करता, इस टाइप से सिलेक्शन टूल से हम कोई भी चीज़ को पकड़ सकते हैं। जूम के लिए, इसके अंदर हमें जूम करना हो उस चीज़ के लिए। जो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है ये इसका जूम के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे भी है,
ये फिट, इसको हमें पूरा इसमें ढंग से देखने के लिए फिट है। यहाँ से हमें अलग अलग जूम कितना भी चाहिए हम यहाँ से जूम करके देख सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, 50 हो गया, जितना चाहे हम इसमें जूम कर सकते हैं। तो हमें फिट पे ये पूरा ऐसे ढंग से दिखाई देगा इसके अंदर। फ्रेंड्स जो है आगे दे रखा है रोटेशन के लिए, रोटेशन टूल W इसका शॉर्टकट है, इसे हम क्लिप को रोटेट कर सकते हैं जैसे भी चाहे। ये कैमरे के लिए है कैमरा टूल, तो 3D के अंदर काम आएगा, अभी हमें इसका कोई भी यूज नहीं है। पेन बिहाइंड एंकर पॉइंट है ये एंकर पॉइंट, इसको हम इसकी जगह चेंज करने के लिए, तो ये भी मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसका कोई वो नहीं है। ये रेक्टेंगल, इसके अंदर अलग अलग टाइप के शेप्स दे रखे हैं, रेक्टेंगल, राउंड, पॉलीगन टूल, स्टार टूल, तो इससे हम इनके अंदर शेप बना सकते हैं कोई भी इस टाइप से। फोटोशॉप के अंदर भी आता है ये, आपको पता हो तो। जब ये क्लिप सिलेक्ट होगी ना, तो हम ये जो भी विथ बनाएंगे ये ओनली रेक्टेंगल के अंदर ही शो होगा। इस टाइप से हम बना सकते हैं इसके अंदर। ये पेन टूल है, पेन टूल से हम अपने मनपसंद शेप्स बना सकते हैं, जैसे हम फोटोशॉप के अंदर पेन टूल आता है उसी टाइप से पेन टूल को हम यूज ले सकते हैं। थोड़ा सा इसका काम अलग है उससे, फोटोशॉप से, फोटोशॉप से नहीं मिला हुआ है ये, उससे थोड़ा अलग है। इस टाइप से हम अपने पसंद की शेप बना सकते हैं, इसको कहीं से भी काट सकते हैं, जैसे शेप बन गई। और अगर एक क्लिप सिलेक्ट नहीं होगी तो हम अपने मनपसंद शेप्स भी बना सकते हैं इसके अंदर, इस टाइप से, जैसे मैं एक शेप बना के दिखाता हूँ। ऐसे हम कोई भी शेप बना सकते हैं जो अपने मन में आ रही हो, कुछ भी। मैंने नाम का आर लिख दिया, ऋषि। इस टाइप से हम शेप बना सकते हैं इससे, जो भी जैसे भी हम चाहें। इसका बहुत ज़्यादा यूज है इसमें, वो मैं आगे बताऊंगा आपको अच्छे से। एक टेक्स्ट टूल प्रीमियर प्रो में जैसे टेक्स्ट टूल आता है, इसके अंदर भी टेक्स्ट टूल है, इसको क्लिक करके टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ भी। ये यहाँ पे एनिमेशन के अंदर भी करेक्टर का ही ऑन हो जाएगा, यहाँ से हम फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं इसके, जैसे भी हम चाहे फॉन्ट्स ले सकते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। यहाँ से इसकी साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये सब इसी चीज़ के लिए। जो पैराग्राफ है ना, हम यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ पे रखना है, किस टाइप से, वो यहाँ से होता है, करेक्टर्स आ गए, पैराग्राफ, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो है ब्रश कंट्रोल भी, इसका शॉर्टकट भी है, टेक्स्ट का शॉर्टकट टी है, और इसका जी शॉर्टकट है, इसका क्यू। यहाँ पे देख रहे ना, यहाँ पे जो इस पे हम रखेंगे ना कर्सर, तो इसके शॉर्टकट होंगे हर किसी के, तो आप शॉर्टकट से याद कर लेना आराम से। ब्रश टूल का भी इसमें कोई यूज नहीं लेना आपको, वो मैं आगे बताऊंगा, ये भी तो आपके कोई यूज नहीं आने वाले बाकी टूल्स अभी तो। फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्लिप को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें इसकी दे रखी है, एंकर पॉइंट जो मैंने बताया, तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसको, इसकी पोजीशन को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसको हम स्केल स्केल अप स्केल डाउन यहाँ से कर सकते हैं एडिटिंग के लिए। रोटेशन के लिए भी यहाँ पे दे रखा है हर एक चीज़। अब क्लिप की ओपेसिटी डाउन करनी हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म देख लिया, यहाँ पे ऑडियो के बारे में, ऑडियो का हमें वॉल्यूम बढ़ाना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। वेव फ्रॉम ऑडियो के बारे में है ये हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पे सारे क्लिप्स, पूरे क्लिप्स में जितनी भी एडिटिंग होती है ना, इस जगह पे से होती है। तो इसके अंदर कुछ दिया है, स्केल का शॉर्टकट भी है एस, स्केल का शॉर्टकट है एस, और पोजीशन का शॉर्टकट है पी, पी पोजीशन का शॉर्टकट है, रोटेशन का शॉर्टकट आर है, ओपेसिट का शॉर्टकट टी है, टी। तो हम यहाँ से इनको यूज ले सकते हैं इस टाइप से, कोई भी चीज़ में डायरेक्ट शॉर्टकट, कोई भी काम करना हो ऐसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बेसिक्स ऑफ आफ्टर इफेक्ट का बेसिक हो गया, इसको यूज कैसे लेना है, इसके डैशबोर्ड के बारे में
आज हम इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमें ये फाइल्स को क्लिप्स को यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। डबल क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हैं हम, या फिर वहाँ से ला भी सकते हैं। ये टाइमलाइन है, यहाँ पे हमें क्लिक पूरी क्लिप को मैनेज करना है, पूरी की पूरी क्लिप को। ये पैनल से यहाँ पे इफेक्ट्स है, प्रीव्यू के लिए है, ऑडियो की सेटिंग्स दे रखी है, इन्फो है यहाँ पे कितने कलर्स के बारे में। यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ब्रश दे रखी है अलग अलग, जो हमने ब्रश सेलेक्ट करने कर रखी है इसलिए। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम पे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। लव यू फ्रेंड्स।